ये बात कहने की नौबत इस वजह से पेश आई कि आज हम नौजवानों को देखते हैं और वो एक घंटा नहीं, दो घंटा नहीं, बल्कि तीन तीन घंटे, चार चार घंटे, पांच पांच घंटे, हत्ता कि बहुत से नौजवानों के बारे में मालूम हुआ है कि सारी सारी रात वो गेम खेलते हुए गुजार देते हैं। एक लानत आई है पबजी गेम, वो ऑनलाइन चलता है और एक नौजवान बैठा हुआ होता है, दूसरा नौजवान दूसरे शहर के अंदर बैठा हुआ है, अब घंटों गुजर जाते हैं, इसको परवाह ही नहीं कि मैंने खाना खाया है, मैंने अपनी ज़रूरत को पूरा किया है नहीं, घर वालों की ज़रूरतें पूरी हो रही है नहीं, अब वो सारी सारी रात उस गेम के अंदर बैठकर गुजार देता है। आप उनके माँ बाप और वालिदैन से मालूम करके देखें कि उनके वालिदैन अपने उन बच्चों से कितने परेशान हैं कि जो घंटे पबजी गेम खेलते हुए गुजार देते हैं। अब रात को उसके ऊपर बैठ गए, सारी सारी रात नींद को खराब किया, अब सुबह जब काम का वक्त होता है तो नींद आती है और नींद आती है तो काम नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कारोबारी एतबार से मुसलमान नौजवान बहुत पीछे चला जा रहा है। तो ये पबजी गेम जो है इसको बिल्कुल भी जायज़ नहीं कहा जाएगा, इसलिए कि शरीयत इस्लामिया ने कहा है कि वक्त को ज़ाया करने की इंसान को बिल्कुल इजाज़त नहीं है। तो अपने अपने इस वक्त को कीमती बनाएं और अपने वक्त के एक एक हिस्से को, एक एक मिनट को, एक एक सेकंड को वक्त के अंदर खर्च करें। जहां उस गेम के खेलने में अपने वक्त का बहुत बड़ा ज़िया है, वहीं ये बात भी खुलकर सामने आ रही है कि जो नौजवान, जो जिस नौजवान को इस गेम के खेलने की लत पड़ गई, वो जिस्मानी एतबार से भी बहुत कमज़ोर से कमज़ोर तर होते चले जा रहे हैं। हत्ता कि यहाँ तक खबर आई कि एक नौजवान की सिर्फ इस वजह से डेथ हो गई, उसका इंतकाल हो गया कि वो पबजी गेम खेल रहा था। तो जिसमें वक्त का भी नुकसान, कारोबार का भी नुकसान, अपने जिस्मानी भी नुकसान और घर वालों का भी नुकसान, सब चीज़ों का नुकसान है, तो भला शरीयत उस चीज़ की कहाँ इजाज़त दे सकते हैं। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, शरीयत इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो और अपने वक्त के एक एक हिस्से को फारिग ना करो, बल्कि मशगूल करो, बिजी ज़िंदगी गुजारो, मशगूल होकर काम करो। इससे ये फ़ायदा होता है कि मुसलमान तरक्की करता है और उसकी तरक्की अपने तक महदूद नहीं रहती, बल्कि कौम उसकी तरक्की से फ़ायदा उठाती है। अभी राजस्थान का एक लड़का था जिसका नाम था ललिन, वो गैर मुस्लिम बच्चा था, वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसने टॉप किया। तो जब उसका इंटरव्यू लिया गया कि तूने क्या काम किया है कि जिसकी वजह से तू इस पोजीशन पर पहुंचा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर तेरी फर्स्ट पोजीशन आई, तो उसने जो जवाब दिया वो हम सब मुसलमान नौजवानों के लिए इबरत का सामान है। उसने कहा कि जो मैं ये नीट की तैयारी कर रहा था, जो वो क्लास पढ़ रहा था, तो उसने कहा कि इसके अंदर मेरे 2.5 साल सर्फ हुए और मुकम्मल 2.5 साल के अंदर मैंने छोटे और बड़े मोबाइल से हाथ तक न लगाया। और हम मुसलमान हैं कि सारा सारा वक्त इसके अंदर खर्च कर रहे हैं। आप मुवाजना कर लें उस नौजवान का कि जो अपने वक्त को मोबाइल पर ज़्यादा खर्च कर रहा है, उस नौजवान से कि जो अपने वक्त को मोबाइल पर नहीं खर्च कर रहा, आपको तरक्की उस नौजवान को दिखती हुई नज़र आएगी कि जो अपने वक्त को काम के अंदर लगा रहा है। खुद आप अंदाज़ा लगा लें, आप खुद मुवाजना कर लें, आपको मालूम हो जाएगा कि जो अपने वक्त को ज़ाया कर रहे हैं वो बिल्कुल नीचे ढिगले चले जा रहे हैं, वो किसी भी एतबार से किसी काम के नहीं रह गए हैं, बल्कि वो उल्टा घर वालों के ऊपर बोझ बने हुए हैं। और जो अपने वक्त को मोबाइल के ऊपर ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं, वो अपनी भी ज़रूरियात बहुत अच्छे तरीके से पूरी कर पा रहे हैं और अपने घर वालों के लिए इज्जत का ज़रिया बन रहे हैं। इसलिए नौजवानों, हम सब जो है अपने घर वालों के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए इज्जत का ज़रिया बने, बोझ ना बने, बिल्कुल बोझ ना बने, और अपने वक्त को जो है बहुत तरतीब के साथ खर्च करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमल की तौफीक अता फरमाएँ। वाफिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।